छतरपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदार और नगर पालिका कर्मी आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका के कर्मचारियों ने मारपीट होते देख घटनास्थल से दौड़ लगा दी। घटना बस स्टैंड की है, जहां फुटपाथ पर फेरी वाली दुकानों को हटाने नगर पालिका के कर्मी आए थे और बिना कुछ कहे उनकी दुकानों पर लाठी मारते हुए उनकी दुकानों का सामान फेंक दिया, जिसके बाद गुस्साई महिलाओं ने नगर पालिका कर्मियों की पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता देख नगर पालिका कर्मचारियों ने दौड़ लगा दी। जब महिलाएं नगर पालिका कर्मचारियों को पीट रही थी तो वहां मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, फिर भी यह घटना होती रही। वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों ने जवाहर रोड पर हाथ ठेले वालों को हटाने के दौरान उनके साथ भी लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे कई हाथ ठेले वालों को गंभीर चोटें आई। तहसीलदार ने पूरे मामले की जांच करने के बाद कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई करने की बात कही है। ना माताजी से कुछ कहा ना सुना, सीधी दुकान में लात मार दी और माताजी को लात मार दी छाती में। कितने लोगों की दुकान लगी थी? बहुत सारी लोगों की लगी थी यहाँ पे दुकान। फिर क्या हुआ नगर पालिका वाले क्या हुआ फिर? नगर पालिका वाले अतिक्रमण करने के लिए आए, ठीक है, उनने ना कहा ना सुना, सीधा दुकान में हेकने लगे और सबको लेडीजों को मारने लगे। मारपीट भी करी आप लोगों के साथ? हाँ, मारपीट भी करी, हाथापाई करी। तब तो हम लोग भगाया है उन लोगों को, यहाँ ये लोग आए नगर पालिका की गाड़ी, हम लोग ठेला लगाए हुए थे, आके सबको मारा है इकट्ठे लोगों ने। कुछ कहा नहीं कुछ यार लोग हटाने के लिए कहा था? ठेला लेके सर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा हम लोगों ने। सामने बस स्कूल को भी मारा, देखो बुजुर्ग आदमी को, इन्हें कैंसर है सर। मेरा ये तथ्य भी जानकारी में आप लोगों ने बताया है, सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ कुछ झगड़ा हुआ आपस में नगर पालिका कर्मचारियों और वहाँ जो फेरी वाली महिलाएँ बैठती हैं उनके बीच में। पर ये मेरा कहना है कि गलती किसी भी पक्ष से हुई हो, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो उसमें ये बिल्कुल जांच की जाएगी और किसी को अगर शिकायत थी तो कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका वालों की तरफ से अगर कोई ऐसी स्थिति उनको लग रही थी तो जिन महिलाओं ने ये कर्मचारियों पर हमला किया है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फेरी लगाने के लिए स्थान नियत किया गया है, जो नियत स्थान पर फेरी लगाना उनके लिए आवश्यक है। अगर नगर पालिका वाले हटा रहे थे और उससे उन्हें कोई असुविधा हो रही थी या उनकी कोई जायज़ मांग थी तो उसके लिए वो अब किसी अथॉरिटी से करके संबंध करके संपर्क करके और संबंध में कार्रवाई करती। इस तरह का कार्रवाई करके कानून अपने हाथ में लेना कहीं से तरसंगत है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।